हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हेमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जुकनी की सब्ज़ी। जुकनी देखने में तो तरोई जैसी लगती है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ये कद्दू से मिलता जुलता है और कुछ कुछ तरोई से भी मिलता जुलता है। वैसे ये तरोई की ही प्रजाति की होती है। तो ये मार्केट में हरी जुकनी भी आती है, येलो भी आती है। तो इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम धुल लेंगे। तो इसको हमने धुल के पहले से ही रखा है, तो अब इसके हम पीसेस करेंगे। तो पहले तो इसको डंठल हटा देंगे, उसके बाद इसके आधा आधा इंच के हम पीसेस कर लेंगे। तो पीछे का और आगे का जो डंठल है, दोनों चीज़ों को हटा देंगे और उसके बाद इसके बीच से ऐसे हम दो टुकड़े कर लेंगे। ऐसे दो टुकड़े में काट लेंगे। तो जब तक हम जुकनी को काट रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और पास में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो ये देखिए, हमने सारी जुकनी को काट लिया है। सब्जी को बनाने के लिए गैस पे रखी है एक कढ़ाई और कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल में सब्जी बनाने से बहुत टेस्टी बनती है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है, 1/2 चम्मच सौंफ डाल दी है और 1/4 चम्मच जीरा डाल दिया है। सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो एक प्याज हमने बड़े साइज़ की ली है, जिसको हमने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो इसमें डालने के बाद उसको गुलाबी होने तक हम भून लेंगे। तो प्याज हल्की गुलाबी हो गई है। अब इसमें हमने 5-6 कली लहसुन की ली है, जिसको ग्रेट करके डाल दिया है। 4 हरी मिर्च लिए हैं, जिसको बारीक काट के इसमें डाल दिया है। सभी चीज़ों को कुछ सेकेंड तक पका लेते हैं और उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ के हमने 2 टमाटर लिए हैं, जिनको बारीक काट लिया है और इसमें डाल देते हैं। तो टमाटर जल्दी से पक जाए, तो इसके लिए हम साथ में ही नमक डाल देंगे। नमक डाल देने से टमाटर जल्दी गल जाता है। तो नमक हम उतना डालेंगे जितना हमें सब्ज़ी में डालना है। यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच नमक डाला है, यानी कि 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक हमने डाल दिया है। और नमक डाल देने के बाद टमाटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो अब इसमें डालेंगे हम कुछ सूखे मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच मिर्चा डाल दिया है। तो यहाँ पे मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे धनिया डाल दी है। तो सभी मसालों को हम प्याज और टमाटर के साथ में भून लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, इसका तेल सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ पर जुकनी जो हमने काट के रखी है, वो हम इसमें डाल देंगे। जुकनी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसको हम ढक ढक के 7-8 मिनट तक पका लेंगे। तो इसको 7-8 मिनट जब हम ढकेंगे, तो बीच बीच में 1-2 मिनट पर हम चलाते रहेंगे, जिससे कि सब्जी हमारी कढ़ाई की तली में लग ना जाए। तो सब्जी को हमने 7-8 मिनट तक पकाया और देखिए, जुकनी का पानी था वो निकला और देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। इसमें कोई पानी हमने नहीं डाला है, बिना पानी के ही सब्जी पक करके तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम 1 शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को ऐसे लंबे लंबे पीसेस में हमने काट लिया है और इसको डाल देंगे। पहले शिमला मिर्च अगर डाल देते तो शिमला मिर्च बहुत ही ज़्यादा गल जाती, तो सब्जी में उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गली हुई शिमला मिर्च कम अच्छी लगती है, थोड़ी सी क्रंची होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। शिमला मिर्च डाल देने के बाद हम इसको 1-2 मिनट तक और पका लेंगे। वही देखिए, सब्जी पक के तैयार हो गई है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए सब्जी बहुत ही बढ़िया से पक गई है। बस इससे ज़्यादा हमको नहीं पकाना है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। ये दोनों चीज़ें हमें बाद में ही डालनी है, क्योंकि गरम मसाला पहले डाल देने से इसकी खुशबू जो है वो उड़ जाती है, तो सब्जी में महक कम आती है। तो बाद में डालते हैं तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। इसी कटाई भी हम बाद में ही डालेंगे, अगर पहले डाल देते तो जो सब्जी है उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता। दोनों चीज़ों को डालने के बाद 1-2 मिनट तक इसको हमने भून लिया है और लास्ट में इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और सबसे बाद में डाल देंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन। इसका टेस्ट इस सब्जी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्जी बनकर के एकदम तैयार हो गई है, बहुत ही देखने में सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो चलिए सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। आप इसको चपाती, दाल चावल, पराठे, रोटी, नान किसी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे।
तो आप इस सब्जी को कब बना रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए जिससे हमें पता चले कि आपको रेसिपी पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे, ख़राब लगे, आप कमेंट ज़रूर करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।